हेलो माय डियर, हाउ आर यू? तो जैसे कि हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था, ए विग्ड क्रेन, ठीक है? तो इस चैप्टर में क्या था? विग्ड मतलब शैतान, ओके? तो जो शैतान क्रेन होता है ना, शैतान जैसे आप लोगों को जैसे शैतानी करते ना, वैसी क्रेन थी, बट ये बहुत ही बड़ी शैतान थी, ओके? तो इसमें अपन ने कहा था, कैसे पढ़ लिया था कि है ना, एक टाइम एक पॉन्ड था, पॉन्ड के पास में, ये पॉन्ड है, पॉन्ड में बहुत सारी फिश रहती थी, पॉन्ड के पास में क्रेन भी रहता था, ओके? सो कैसे कैसे करेंगे? वंस देयर लिव्ड मेनी फिशेस इन पॉन्ड, अ क्लेवर क्रेन लुक ऑल्सो लुकड अप. अब देखो, लिव्ड देयर, वो है ना, क्लेवर क्रेन भी उधर रहती थी, तो क्या हुआ ना, उनको खाना चाहती थी बट वो खा नहीं पाई. तो फिर क्या हुआ आपको बताएं? तो हुआ ये कि नेक्स्ट, तो फिर ना नेक्स्ट ईयर है ना, बिल्कुल बारिश नहीं हुई और सूखा पड़ गया, और बारिश थी नहीं, और पॉन्ड जो था वो सूखने लग गया, सूखने लग गया, ओके? उसके बाद देयर वॉज स्नो रेन, एट लास्ट देयर वॉज लिटिल वाटर, थोड़ा पानी बचा होता पॉन्ड में. ये सब देख के क्रेन ने बोला, क्रेन तो बड़ा हैप्पी था मन में, बट क्रेन ने उनके सामने, फिशेस के सामने बोला कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही डर रहा हूँ, क्योंकि ये पानी तो पूरा सूख रहा है, क्योंकि फिशेस कहाँ रहती है, पानी में रहती है. तो ऐसा ये सब बोल के, ये सब बोला क्रेन ने. तो फिर ना क्रेन ने उन्हें बोला कि है ना, मैं एक पॉन्ड जानता हूँ जो पास में है. उसके बाद क्या होता है वो अभी देखते हैं, चलो. ओहो, तो हमने योरसेल्स तक पढ़ लिया था. आज उसके बाद हम पढ़ेंगे काता किता बड़ा चैप्टर, दिस अ बिग चैप्टर, कोई बात नहीं, हम थोड़ा थोड़ा अच्छे से करेंगे. लेट्स स्टार्ट. द फिश सेड टू द क्रेन, आर यू स्पीकिंग द ट्रुथ? क्या तुम सच बता रहे हो, सच बोल रहे हो? क्योंकि ले उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा, इतनी गर्मी में हमारा तालाब सूख गया, हमारा पॉन्ड सूख गया, तो वो भी सूखा नहीं है, ऐसा कुछ है, सच है क्या? अपन पूछते हैं ना, आर यू स्पीकिंग द ट्रुथ? इज देयर रियली एनी पॉन्ड फुल ऑफ वाटर? ऐसी कोई जगह है जहाँ पर पूरे पानी है? विल यू कैरी अस देयर? क्या तुम हमें उधर तक ले जा सकते हो? द क्रेन वॉज वेरी क्लेवर, और क्रेन जो था वो बहुत ही चतुर था, चंट था. ही सेड, यस यू मस्ट बिलीव मी, तुम मेरे ऊपर विश्वास करो, आई शेल टेक वन ऑफ योर देयर, और तुम्हें एक एक करके मैं उधर ले जाऊंगा. यू मे सी दैट पॉन्ड योर सेल्फ, और तुम देखो, तुम्हें से एक को मैं ले जाऊंगा इधर, और तुम उस पॉन्ड को देखना, देन यू विल बिलीव मी, तो उसके बाद तुम मुझे विश्वास कर सकते हो. All the fishes agreed, और सारे fish agree हो गई. One of them went with the crane, और एक क्रेन के साथ चली भी गई. द क्रेन शोड द पॉन्ड टू द फिश एंड ब्रॉट इट बैक, और क्रेन ने उधर उसे बताया वो पॉन्ड, और वह वापस लेके आई. दिस फिश टोल्ड देम फिश अला अबाउट द लवली पॉन्ड, और ना उस फिश ने, जिस फिश को लेके गया था उसने ना, उस प्यारे से पॉन्ड के बारे में बताया. नाउ ऑल द फिशेज वॉन्टेड टू गो देयर, द रिक्वेस्ट द क्रेन टू कैरी देम टू दैट पॉन्ड, और सबने बोला कि हमें उधर ले जाओ, बट द क्रेन सेड, आई कैन टेक वन बाय वन फिश एट अ टाइम, सो यू विल हैव टू
टू वेट फॉर योर टर्न, है ना। मैं एक ट्रेन ने बोला मैं एक फिश को एक टाइम तक ले जा सकता हूँ तो तुम्हें वेट करना होगा, और फिश सारी एग्री करी, फिश ने एग्री कर दिया ठीक है। द क्रेन टुक अ फिश इन इट्स ब्रेक एंड फ्लू अवे, बट दिस टाइम ही डिडंट टेक द फिश टू द पॉन्ड, इट सेट ऑन अ स्टोन अंडर द ट्री एंड एट इट अप। और वो एक एक करके सबको खाने लग गया, और वो फिश को एक एक फिश को ले जा रहा था तो एक स्टॉक पत्थर के ऊपर बैठ के वो पूरा खाने लग गया, जैसे कि इधर पिक्चर में बताइए देखो ऐसे। सो ये इतनी थी, कल हम आगे पढ़ेंगे। बाय, टेक केयर, रीड ट्वाइसली और राइट इट हार्ड वर्ड्स राइट कर देना। ओके, बाय।